सभी को पता है कि GTA 5 रोल प्ले हम सभी का एक सपना है खेलने का, बट कुछ लोग का सपना पूरा नहीं हो पाता। क्यों के लिए आधे से ज़्यादा मेरे भाई लोगों के पास एक अच्छा खासा पीसी या लैपटॉप नहीं है, भाई लो एंड पीसी है। और जिनके पास अच्छा खासा पीसी या लैपटॉप है बट वो परचेस नहीं कर पा रहे या कोई भी रीज़न से वो खेल नहीं पा रहे, तो भैया यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा गेम लेके आया हूँ जो कि हूबहू GTA ऑनलाइन के जैसा है। अब बोलोगे भाई थोड़ी ना ऐसा कोई गेम है, तो भैया इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो। तो बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा गेम लेके आया हूँ जो कि GTA 5 का क्लोन गेम आप बोल सकते हैं। तो बल्कि इस गेम का नाम है APB रीलोड। जी हाँ दोस्तों, APB रीलोड एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर ऑनलाइन वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है रीलोड प्रोडक्शन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है लिटिल ऑर्बिट के द्वारा। बेसिकली गेम को रिलीज किया गया है दोस्तों 7 दिसंबर 2011 को। गेम की बात करें तो भैया गेम ओपन वर्ल्ड के साथ ऑनलाइन गेम है। यहाँ पर आप सेम एज इट इज आप जो GTA ऑनलाइन में करते हो, रोल प्ले में करते हो, सेम इस गेम में भी आप कर सकते हो। जैसे आप लॉबी पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 100 प्लेयर का सर्वर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अलग अलग वेपन्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कार देखने को मिल जाते हैं एंड भाई कैरेक्टर्स का तो यार भरमार पड़ा हुआ है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सच बताऊं तो यार गेम काफी ओपी, यहां पर आपको काफी सारे यार इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें कोई भी यार सर्वर का मतलब वेटिंग करने का कोई भी लोचा पोचा नहीं, आपको एकदम विद इन अ सेकंड आप सर्वर में ज्वाइन हो जाओगे। तो भाई इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी सुन के जाना, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बताने वाला हूं, इसके बाद अपन इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चले जाएंगे। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 मिनट है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें ईमानदारी से बोलूं तो 10 GB खाली होना चाहिए भैया इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। टू प्ले गेम है, आप स्टीम से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हो, नहीं एक्स्ट्रा डाउनलोड कर सकते पार्ट्स में जाओ मेरे वेबसाइट में, मैंने इस गेम को बहुत ही पहले ही अपलोड करके रखा। टाइम वेस्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप दो जगह इस गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, एक्चुअली गेम तो फ्री है ही, स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हो, स्ट्रीम में भी आपको फ्री टू प्ले का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट जिन लोगों के पास जियो डेटा है वो एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब डाउनलोड करोगे तो गेम का साइज अप्रॉक्स 8 GB के आसपास पड़ जाएगा दोस्तों, तो आप इसके आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो इनका, जो कि है gamersfirst.com। तो ABP जब आप लिखोगे तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, बट आप फिर भी बोल रहे हो कि भैया नहीं यार मैं एक साथ 7 GB 6 GB डाउनलोड नहीं कर सकता, आपका भाई आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो यहाँ पर मैंने 500 MB के आपको पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, 1 GB के पार्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए। जब आप पार्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये दो फाइलें देखने को मिलेंगी, दोनों हमारे सेटअप फाइलें, ठीक है, दोनों आपको जिप फाइल में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ABB रीलोड इंस्टॉलर को आपको डबल टैप करके ओपन करना है, येस करना है, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों से इंस्टॉल करने का प्रोसेस। ओके पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन में करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ये सभी को आप इंस्टॉल कर ही लेना तो आपके लिए बेटर रहेगा, सिंपली अपन नेक्स्ट करते हैं। एंड ये सबसे मेन बात कि जिस बैटरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहें एटलीस्ट यार 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल में क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 7.6 GB के आसपास हमारा जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसे इंस्टॉल होने में भी आपका 15 से 10 मिनट के आसपास लग सकता है आपके पीसी के स्पीड के ऊपर। यहाँ पर हमारा गेम APB रीलोड सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली अपन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका और अपडेट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक मेन अपडेट आएगा जो कि 400 या 500 MB का हो सकता है, तो इसे अपडेट कर लेना। चलिए दोस्तों इसे अपडेट हो जाने देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है पूरा गेम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली आपको यहां से स्टार्ट पे क्लिक करना है। वेट वेट, अभी वीडियो को छोड़ के जाना मत, एक और चीज आपको करना है, तो इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को बने रहो। पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, अब बोलेंगे भाई आदित्य भाई हमने को तो पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही बोल के आ रहा हूं आपको ये फ्री टू प्ले गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, आप इसे पूरा GTA 5 जैसा ही प्ले कर सकते हो, रोल प्ले मोड है ये। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, और अकाउंट है तो यहाँ से बस ईमेल आईडी कॉपी करो, जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो डालो एंड लॉगिन कर लो, आपका गेम ओपन हो जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने स्टीम से डाउनलोड किया है तो ऑटोमेटिकली ही ये लॉगिन हो जाएगा, बट आपने
पार्ट्स में डाउनलोड किया है या उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे कि अपने जो मैंने आपको वेबसाइट स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें रिडायरेक्ट करेंगे आपको। यहाँ पर अपना आपको ईमेल आईडी डालना है एंड अपना जो पासवर्ड है वो टाइप करना है, आपको कंफर्मेशन करना है और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अपने जो अकाउंट मैंने पहले से बना के रखा हूँ इसलिए मैं फटाफट से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया पहले से, सिंपली मैं अपना जो ईमेल आईडी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। चलिए रिमेंबर मी यहाँ पर आप कर लेना कि बार बार लॉगिन करने का झंझट ना हो। जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, तो सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को एक दो सर्वर देखने को मिलेंगे, तो आपको जो सर्वर अच्छा लगे उसमें सेलेक्ट हो जाना। सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर जो हमारा सर्वर पर कनेक्ट हो रहा है, तो देख लो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिशंस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे रोल प्ले मैप देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी आप एक चूज़ कर लेना। जैसे कि मैं इसे ये फाइनेंशियल वाला को चूज़ करता हूँ, यहाँ पर ज्वाइन डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। काफ़ी बड़ा मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको इन दो लोकेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, किसी एक में क्लिक कर लेना, तो वहाँ पर आप अपने लॉबी पे पहुँच जाओगे। क्योंकि एक मल्टीप्लेयर गेम है तो यार आपको एक लॉबी मिलता है, आपको एक अपना कैरेक्टर देखने को मिलता है एंड काफ़ी सारे इसमें आपको मिशंस देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे आपको GTA 5 में देखने को मिलते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गेम है वो चालू हो चुका है एंड यहाँ पर हम एक अपने कैरेक्टर पर आ चुके हैं। आई थिंक अपन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का एक रोल पे है, तो यार काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है एंड पूरा यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा आपको ऑनलाइन मोड देखने को मिल जाता है। पूरा ये जो देख रहे हो जैसे अपन GTA 5 में रोल प्ले खेलते हैं, सिंपली सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दिया गया है। तो यहाँ पर अपने को भी एक मिशन मिलेगा, अपन आगे खेलेंगे। तो वेल गाइस बस यही बताना था कि कैसे आप एक GTA 5 के जैसा एक गेम खेल सकते हैं जो कि मल्टीप्लेयर हो और फ्री टू प्ले हो। तो वेल गाइस बस इसी तरह अपने PC या लैपटॉप पर आप APB रीलोड खेल सकते हैं वो बिना परेशानी के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई उनको भी पता चले यार ए भैया स्पीड मत चलाओ चालान कट जाएगा, हाँ तो वो भी खेल सके एंड गेम का मज़ा ले सके। चाचा उतर जाओ, लाइसेंस नहीं है, चलो उतरो। हाँ तो मैं कहाँ था, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।